हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दराज से मैंने ईद से पहले कुछ पार्सल्स ऑर्डर करे थे, जो कि मुझे ईद के बाद कुछ मिले हैं और कुछ ईद से पहले मिले थे। तो आज मैं वो सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी रिव्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले पार्सल्स को ओपन करते हैं। ये जो बड़ा पार्सल है इसको मैंने ओपन कर दिया है। सबसे पहले जो मैंने मंगाया था वो था ये वाला ऑर्गेनाइजर। इसमें आप ज्वेलरी रख सकते हो, मेकअप रख सकते हो, अमेजिंग है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, चेक कर सकते हो। और ये ऐसे ही होके आया था, असेंबल होकर ही आया था। और इसके साथ ये जो एक ये जो नॉब है वो अलग से दिए थे, आपने इसे जस्ट फिक्स करना होता है। और एक एक्स्ट्रा इसमें नॉब दिया था ताकि अगर आपका ये टूट जाए या ख़राब हो जाए तो आपको ये आगे काम आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है इस तरीके के। देखिए ये इस तरीके का ड्रॉ है और मैंने इसमें अपना सामान सारा फिल करके रख दिया। देखिए मैंने इसमें वॉचेस रखी है, ये देखिए, और अच्छा खासा स्पेस है। आप देख सकते हो ये मतलब अच्छी खासी आपके इसमें सामान आ जाएगा। इसके बाद इसमें मैंने कुछ अपने बैंगल्स और कड़े वगैरह रखे हैं। मैंने इसमें ये देख सकते हो मैंने इसमें सारे कड़े वगैरह बैंगल्स वगैरह रखे हैं। और इसमें मैंने अपनी कुछ हेयर एसेसरीज रखी है लास्ट वाले में, जैसे ये क्यूट सा बो वगैरह, जितनी भी हेयर एसेसरीज है वो सारी मैंने इस वाले में रखी है। तो ये बहुत ही अमेजिंग है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सा है और आपके वैनिटी पे एक जगह कोने पे रखा हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और बहुत ही क्यूट है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हो। प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन है उसमें, तो मैं इन सब प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर देना। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैंने इसे पार्सल आते ही मैंने फ़ौरन इसे अनबॉक्स कर दिया था और इसमें मैंने अपना सारा सामान रख के इसे अपने वैनिटी पे सेट कर दिया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद ये नेक्स्ट पार्सल को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। और ये थोड़ा सा मैंने ओपन किया था लेकिन पूरा मैंने ओपन नहीं किया, ये ऑलरेडी देख सकते हो सील्ड पैक है। एक्चुअली मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मेरे पास पार्सल्स आ जाए सारे के सारे और मैं आपके साथ सारे के सारे इसके जो रिव्यू है एक साथ एक ही वीडियो में शेयर करूं, तो आप लोग के लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरे लिए भी एक साथ सबको दिखाना बहुत ईजी हो जाएगा कि सब एक साथ आके मैं आपको एक साथ सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करूँ। तो इसमें मैंने मंगाया था, अच्छी पैकेजिंग है इसकी, तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट डैमेज आएगा या कुछ भी है। अच्छा, तो ये मैंने मंगाया था आइकॉनिक लंदन का इल्यूमिनेटर। ये एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। और ये ग्लास की बॉटल में आता है ये वाला, वाओ, आई मीन यस, ये देखिए आइकॉनिक लंदन। इस प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं इसका शेड वगैरह हर चीज़ मेंशन कर दूंगी, आप उसमें जाके ऑर्डर कर सकते हो। और ये देख सकते हो, वाओ, आई थिंक ये थोड़ा सा पिंकी काइंड ऑफ शेड था, ये देख सकते हो। और मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथों पे लगाती हूँ, इस वाले हाथ पे, ये बहुत ही अमेजिंग है। प्राइमर के बाद आप इसे लगाओगे अच्छे से, इसके बाद आप जब फाउंडेशन लगाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा ड्यूई और एकदम ग्लोई फाउंडेशन होगा। तो ये देख सकते हो, वाओ, और बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल नहीं है, एकदम ग्लोई सा है ये, देख रहे हो। इसका जो शेड है वो थोड़ा सा पिंक कलर का शेड है, थोड़ा सा पीची पिंक काइंड ऑफ शेड है और अमेजिंग है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप ऑर्डर करना। और बहुत ही रीजनेबल था ये और मुझे रिव्यूज़ वगैरह के लिए भी मुझे चाहिए था। और प्लस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ये ऑर्डर कर सकते हो। अमेजिंग है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए एकदम ग्लो आ गया है ये, और बिल्कुल चंकी पार्टिकल नहीं है, तो ये वाला एकदम अमेजिंग है। इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, अच्छे से ब्लेंड भी हो गया और ग्लो इतना प्यारा लेकर आया है। चले इसे फेस पे भी मैं लगा ही लेती हूँ जब मैंने इसे ओपन कर ही दिया है, तो हल्का सा आप इसे एज अ हाइलाइटर भी लगा सकते हो। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, वाओ यार, ये तो एकदम से, ये देख सकते हो, अमेजिंग। यहाँ भी लगा देते हैं थोड़ा सा,
बहुत थोड़ा सा लेने की ज़रूरत है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, एकदम रोज़ जैसी आ रही है, जैसे रोज़ वाटर होता है ना उस टाइप की। शायद ये हो सकता है रोज़ वाटर से बना हो, इसका जो इंग्रेडिएंट हो वो रोज़ वाटर हो। यार ये तो डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब ग्लोई जिसको मेकअप पसंद है ना, ये लगा सकता है वेडिंग पे या किसी भी इवेंट पे लगा सकता है। ग्लो चेक करो, अमेजिंग यार। थोड़ा सा नोट्स पे भी लगा देते हैं, ऑलरेडी मेरे हाथ पे देखिए कितना सारा है, और ये अच्छे से वेट हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे लगा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको ये ज़रूर ऑर्डर करना चाहिए। बहुत ही रीजनेबल है, 350 और इस तरह से इसके कुछ प्राइस थे, तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कीजिएगा, आपको सब कुछ वहाँ डिटेल मिल जाएगी। तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये। चलिए अब नेक्स्ट पार्सल को ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, ये मैंने मंगाया था, इसका रिव्यू आ जाएगा, मैंने क्योंकि शूट पहले किया है तो हो सकता है इसका रिव्यू आपको बाद में मिले या पहले मिले, या देख सकते हैं। तो ये मैंने मंगाए थे एले गर्ल के कंसीलर, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। और ये हमेशा जो है वैनिटी पे आपके, हमेशा मेकअप प्रोडक्ट में आपके पास ये होने चाहिए करेक्टर्स, ऑरेंज करेक्टर्स, अमेजिंग है ये। देखिए अगर आपके डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए ऑरेंज करेक्टर इज़ द बेस्ट। और अगर आपकी थोड़ा सा ब्लू और थोड़े से वेन्स वगैरह है, तो उसके लिए ये कंसीलर जो इसमें दिया गया है ये अमेजिंग है। ये देखो अमेजिंग है, प्लस बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है ये, अमेजिंग मुझे लगा ये। और ग्रीन करेक्टर जो है वो रेडनेस को और पिंपल्स और एक्नी मार्क्स को छुपाने के लिए होता है, अगर एक्नीस फ्रेश फ्रेश एक्नीस होती है तो उसको छुपाने के लिए ग्रीन वाला करेक्टर यूज़ होता है। तो ये देखो इस तरीके का ये देखिए इस तरीके का ये आ गया प्रोडक्ट ग्रीन कलर का। बहुत थोड़ा सा लेना होता है, ऐसा नहीं कि आप भर भर के प्रोडक्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये करेक्टर के बाद आपको ऊपर फाउंडेशन लगाना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के ये प्रोडक्ट लगाओगे, इसके बाद आप जब फाउंडेशन लगाओगे तो ये बहुत सब कुछ एकदम से ब्लेंड हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लेके लगाओ और थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करो, उसके बाद अपनी फाउंडेशन लगाओ, तो आपका बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस फिनिश आएगी इस वाले करेक्टर्स के साथ। डिफरेंट कलर्स इसमें थ्री, अमेजिंग लगा। इसकी प्राइस भी आई थिंक 900 समथिंग थी, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्सल है इसे ओपन करके देखते हैं। अच्छा, ये था पिक्सी ग्लो का, आपने देखा होगा स्टिक वाला ब्लश, तो ये मैंने रूबी कलर में मंगाया था। रूबी जो रेड वाला शेड है अमेजिंग है, और ये इस तरीके की आता है पैकेजिंग, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। अच्छा ये बता दूँ कि ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, आई थिंक ये 800 समथिंग का था। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो शेड है वो रूबी है, रेड वाला शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। तो इसे भी इसे ओपन करके देखते हैं, इसे भी ओपन करके देखते हैं। इस तरह से देखिए इसकी इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, आप इसे चाहे तो रिमूव कर सकते हो, और ये इस तरीके का आता है, अमेजिंग है। और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है आजकल, ये देखिए ट्विस्ट करोगे ना आप इस तरह से, तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट निकलेगा बाहर। और मैं इसे यहीं पर ही आपको स्वैच करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरीके का है, रूबी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रहा है, ये देखो वाह, ये तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैंने ब्लश लगाया हुआ है, लेकिन चले फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हाइलाइटर के ऊपर भी लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने ले लिया, तो अब देखो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ये देखो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, ये देखो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है, देखो वाह। और कलर जो है वो बहुत प्यारा कलर है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो आप ये वाला शेड मंगाओगे तो अगर आपकी मीडियम टोन है, अगर थोड़ी सी वेटिश है, ब्राउन है, वाइट है, जैसे भी आपकी स्किन है, हर एक स्किन पे ये वाला शेड वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप डेली वेयर के लिए भी आप लगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आपकी स्किन, बहुत ज़्यादा ईजीली ये ब्लेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस मेकअप हो रहा है इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्यारा सा शेड है, थोड़ा सा पिंकी रेड काइंड ऑफ शेड है, आप जितना ज़्यादा बिल्डअप करोगे ये बिल्डअप होता रहेगा, बहुत ही अच्छा है ये देखिए।
बाद मैंने ये कैप्सूल्स वाली लिपस्टिक मंगाई थी, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और प्लस मैंने ये इसे पहले ओपन कर दिया था और मैंने इसे अपने चैनल पे इसका रिव्यू मैंने डाला है, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फुल वीडियो है जिसमें सारे शेड्स मैंने अपने लिप्स पे लगा के दिखाए हैं, तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो ये भी करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक्स है। और प्लस ट्रैवल फ्रेंडली, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जस्ट इतना सा आप अपने पर्स में रख लो और आप जहाँ चाहो ट्रैवल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिपस्टिक्स के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसके बाद मैंने ये दराज से ये वाली भी मंगाई थी, तो मैंने सोचा इसको भी कर दूँ, इसकी भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये वाली लिपस्टिक है, लिप टिंट बोल दो, थोड़ा सा ये आपको ये कलर चेंजिंग है, आप लगाओगे तो ये पिंक कलर का ये शेड आपके लिप्स पे लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। तो इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो एक साथ मैं इसको इसलिए बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को, रिपीटेटिव चीज़ों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और एक ही वीडियो से आपको इस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाए। इसके बाद इस बड़े वाले पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। ये तो मैं फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ओपन कर रही हूँ। और ओके, तो ये है ट्राईपॉड, ये देख सकते हो ये इस तरह से है, मोबाइल को आप रख सकते हो और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा एक्सटेंड होके, ये देखे। प्लस आप इसे एज आ अपने कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हो, मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये दराज से ऑर्डर किया है। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, इसमें ये ऑल इन वन सेल्फी स्टिक इसे कह सकते हैं, देखिए इसका मॉडल नंबर इसमें मेंशन है। ऑल इन वन इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए इसमें छोटा सा रिमोट भी है, हर एक चीज़ आप ऑल इन वन है क्योंकि पोर्टेबल, अगर आपको ट्रैवल करना है और आपकी फ़ोटो लेने वाला, सबसे बढ़ के अगर आपकी खुद की फ़ोटो लेने वाला कोई भी नहीं है तो आप इसे, और बहुत ही छोटा सा है देखो, तो अपने हैंडबैग में भी आप इसे रख सकते हो। और ये बड़ा 6 फीट तक ये हो जाएगा, तकरीबन ये 6 फीट तक हो जाएगा, ये देखो वाओ। और इसमें ये देखिए छोटा सा रिमोट भी है, इस तरीके से आई थिंक निकल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से स्लाइड अप करोगे ना तो ये रिमोट है, तो आपकी अपनी सेल्फी भी हो जाएगी और प्लस आप अपना जो है इसमें, वाओ यार ये तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, अमेजिंग। इस तरह का देखिए इसे होल्डर है और इसे आप ओपन करोगे ना तो, एक सेकेंड कैसे होगा ओपन, इसको करेंगे ओपन तो करेंगे, हाँ हाँ इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरह से ओपन करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए इस तरीके का ये पूरा ये ओपन हो जाएगा, इस तरीके का ये इसका है और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है ये, इसे आप जैसे इसे ओपन करोगे ना, इसे खींचोगे तो ये इस तरीके से लंबा हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, ये नीचे वाला देखिए पकड़ के इसे इस तरीके से आप करोगे, ये देखिए खुल गया और ये इस तरीके से बंद हो गया, तो इसे इस तरीके से आप खोल दोगे और इसे खींचोगे तो आप ये लंबा हो जाएगा। प्लस इस तरीके का इसमें दिया है, यहाँ से आप ओपन करोगे और यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह आप लगाओगे और प्लस ये ऊपर नीचे होता है इस तरीके से और ये घूमता भी है इस तरीके से, घूमेगा ये जहाँ जहाँ करना है और ये इस तरीके से रोटेट भी होगा, ये देखे 360 एंगल पे ये पूरा रोटेट होता है, ये देखे। अगर आपको कैमरा अपना लैंडस्केप पे रखना है, स्ट्रेट रखना है, जैसे भी रखना है आप रख सकते हो। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, ये फोल्ड हो जाएगा, इसे इस तरीके से आप बंद कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से, तो ये खुल के काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देख सकते हो ये इस तरीके से है और फ्लोर लेंथ तक बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, ये पूरा नीचे फ्लोर लेंथ तक है आप देख सकते हो और काफ़ी बड़ा है, तो ये मुझे हाइट बहुत अच्छी लगी इसकी। तो अगर आप ये ट्रैवल के लिए यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो बस ये इसका रिव्यू था, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे हर वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मेरे चैनल की वीडियोस कैसे आगे बढ़ेगी, तो लाइक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा आप लोगों की तरफ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।